हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांचौर पुलिस की कार्रवाई, 10.50 ग्राम स्मैक बरामद, एक गिरफ्तार। सांचौर पुलिस ने धमाणा एवं डेढ़वा सरहद में 10.50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन एवं सांचौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह एवं सांचौर वृत्त अधिकारी वीरेंद्र सिंह के सुपरविजन में सांचौर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं स्मैक के नशेड़ियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु थाना अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा बुधवार शाम को धमाणा एवं डेढ़वा क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान डेढ़वा सरहद में हाईवे के साइड में एक युवा खड़ा दिखाई दिया, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर उसको दस्तयाब किया। जाकर नाम व पता पूछा तो अपना नाम डेढ़वा निवासी विक्रम कुमार पुत्र किशन लाल विशोई होना बताया, जिसकी नियम अनुसार तलाशी ली गई एवं उसकी पहनी हुई पैंट की जेब में से 10.50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने विक्रम कुमार के विरुद्ध NDPC एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया एवं गहन पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि क्षेत्र में स्मैक के तस्करों एवं स्मैक के नशेड़ियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस थाना सांचौर की टीम के द्वारा निरंतर प्रयास जारी है। स्मैक तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में विकट टीम माह में NDPC एक्ट के तहत कुल 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उक्त कार्रवाई में थानाधिकारी अरविंद कुमार के साथ हेड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल पुन्मा राम, जग राम एवं हडमाना राम शामिल रहे। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।